गांव तू जाना, रियासत तू जाना कि रानी महल बोलती थी इसी, और आज जो है खंडर में तब्दील हो चुका है। इसकी आप देखते हैं कि जो है आप देख रहे हैं, आप चार दीवारी तो इसकी हो चुकी है। ये इसके पास संजय क्या है, ये भी उसी का जी, उसमें मतलब रानी स्नान करके आ रहे थे, स्विमिंग पूल उधर भी है उस बिल्डिंग में। अच्छा, ये महल था। हाँ, और वो स्विमिंग पूल वगैरह, और इसमें मतलब रानी भी तो अपने दासियों के साथ। चलो कोई देखते हैं इसको भी। रास्ता किस साइड से था तो जी पता है ना, ये देख सकते हैं कि रास्ता जाने के लिए भी रास्ता नहीं है यहाँ। किधर से भी थोड़ा अड़का ले लेते हैं। आप ये देख सकते हैं, आप जो है चारों तरफ जो ये रानी का महल सब कुछ था, शीशा वगैरह। हाँ जी, यहाँ श्रृंगार वगैरह का, निकल लो ना। और यहाँ नीचे घोड़ों का अस्पताल वो था जी, आ जा। ये लो, हम बाधाओं को पार करते हुए जो है किसी टाइम में जो है रानी महल के आप पहुंच ही गए हैं। गांव दुजाना, पुराने टाइम की जो है रियासत दुजाना, ये देख सकते हैं आप। ये सुरंगनुमा घोड़ों का अस्तबल था, ये नीचे घोड़े का अस्तबल था। हाँ जी, अब हम ऊपर जा रहे हैं इस पे। आओ संजय, ये देख सकते हैं आप, ये सीढ़ियां हैं नीचे से आती हैं। आज मैं लेता जी इधर घूमते, इधर ये सारा लंबा, ये पूरा का पूरा रानी का महल हुआ करता था। स्कूल बना दिया ना, साथ में ये स्कूल भी बना हुआ है। इसके अंदर कोशिश कर रहे हैं जाने की। इसके अंदर इतिहास की विरासत आज खंडर हो चुकी है। ये देख सकते हैं, ये कड़ियाँ हैं, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये देख सकते हैं। ये महल यहाँ आने जाने में भी खतरा है, फिर भी कोशिश। ये देखिएगा, ये रानी का महल जो है, इसकी छत टूटी हुई है। अब अंदर देख सकते हैं आप, ये देखिए, आगे जाने का तो रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चारों तरफ घास ही घास है। छत के ऊपर भी घास है। ये बिल्कुल खंडर हो चुका है। कभी जो है यह आबाद था, यहाँ रानी और उनकी दासियाँ और राजा रहा करते थे, और जो है कभी चहल पहल हुआ करती थी, नीचे अस्तबल हुआ करता था। तो आप दोबारा देख सकते हैं, ये देखिएगा, मेरे निकलने के लिए भी ये आप देख सकते हैं, ये रानी का महल एक खंडर हो चुका है बिल्कुल। यहाँ आने जाने में भी खतरा है, कोई जो है सांप कीड़ा कांडा भी हो सकता है यहाँ। अब हम बाहर आ गए हैं, यह आपको दिखाई दे रहा है दूर दूर तक का एरिया जो है, एक किसी टाइम में बहुत विशाल रहा होगा। आजकल की जो कोठियाँ होती हैं, महल होते हैं, उसी प्रकार से जो महल नुमा ये रानी का महल रहा होगा। मैं दलजीत कुमार, सहायक प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय इसराना।